हे गाइस, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। यदि आपके लैपटॉप का टचपैड काम नहीं कर रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो, इस वीडियो में मैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको दिखलाने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आ गया हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को अपने कीबोर्ड बटन में विंडो बटन को प्रेस करना है और आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इसके अंदर आप लोगों को सर्च करना टच पैड। जैसे मैंने यहाँ पे टच पैड सर्च किया, टच पैड सेटिंग्स आ गया। इसके ऊपर आपको सिंपल एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे मेरा ऑन है, आप लोगों के पास ऑफ का ऑप्शन आ रहा होगा। ओके, तो यदि आपका ऑन की जगह कहीं और, जैसे यहाँ पे यदि कर्सर आ रहा है तो आपको टैब बटन को प्रेस करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैं टैब बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो ये इधर उधर हो रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हम पहुँच गए। आपको ऐसे ही प्रेस करते रहना है जब तक हम ऑन पे ना पहुँच जाएँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम ऑन पे पहुँच चुके हैं। अब आपको यदि आपका यहाँ पे ऑफ है तो इसको आपको ऑन करना होगा। किस बटन से करना होगा, स्पेस बार की जो बटन होती है स्पेस की, उसको आपको प्रेस कर देना है। आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार का होगा और इसको ऑन कर लेना है तो आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी दोस्तों, आपका टच पैड काम करने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।